मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में संपन्न हुई बैठक में एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा कि पूर्व के सभी मुद्दे कोरोना वायरस की महामारी के कारण स्वतः ही निरस्त हो गए हैं। इस मौके पर एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कोरोना महामारी से बचने के अनेक उपाय बताए और व्यापारियों की काफी सराहना की। बैठक में व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं के समाधान की रणनीति तैयार की गई। बैठक में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया, मणिनाथ गुप्ता, मदनलाल अग्रहरी सहित अन्य व्यापारी नेता मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, तो बहुत ढेर सारे 10 बिंदु समझिए हुए हैं। तो जैसे एक है सराय एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत, तो आवाज जा रही है ना ये। फिलहाल ये व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के संबंध में पहले भी बहुत ढेर सारे शासनादेश आए हैं। एक शासनादेश अभी पिछले साल आया था, उसको रद्द करते हुए एक नया शासनादेश, एक 28/12/2018 का शासनादेश था, उसमें थोड़ा परिवर्तन करते हुए 3 मार्च 2020 को एक शासनादेश जारी हुआ है, मैंने व्हाट्सएप भी करवाया था उसको थोड़ा प्रभावी बनाने के लिए। तो अभी श्री मनीष गुप्ता साहब ये जो उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड उत्तर प्रदेश के अर्थशास्त्री संख्या फुला के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रदेश सरकार विकास एवं विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं आवश्यक राजस्व ग्रहण संग्रहण की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत संग्रहण में वृद्धि के उपाय, आर्थिक गतिविधियों की वृद्धि एवं कर अपचन को की रोकथाम के लिए शासनादेश संख्या फलाफला दिनांक 28/12/2018 द्वारा उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। नाम, पता, पंजीकरण संख्या, सूत्र पंजीकरण, संपर्क सूत्र, मोबाइल नंबर, फोन नंबर आदि तो साइट हो गया, उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है। तो 10 बिंदु हैं, तो 10 बिंदु में और बाकी लोग अपने सूचना इकट्ठा कर रहे हैं, 10 बिंदु मैं बता भी दे रहा हूँ। सराय एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत व अपंजीकृत होटलों, धर्मशालाओं, लॉज, रेस्टोरेंट इत्यादि की सूची, क्योंकि मतलब ये कुछ इसी नंबर कस्टोडियन ऑफिस शत्रु संपत्ति, कस्टोडियन ऑफिस शत्रु संपत्ति किराएदारों और कब्जेदारों की सूची, ऐसे ऐसे सालों से जो बड़े बाबू हैं और ये हमारे जो प्रभारी IGS हैं, जो व्यापारिक व्यापारियों से संबंधित जो भी इस तरह से योजनाएँ हैं या घोषणाएँ हुई हैं उसकी प्रगति क्या है, तो प्रभारी मीडिया से अपना भेजेंगे। मनोरंजन केंद्रों वाटर पार्क में आए हुए प्रस्तावों, जो आए हुए प्रस्ताव हैं उसके क्या निर्णयों, निस्तारक और संस्थित की सूची मामला आता है, तो 9 बिंदु हम कवर कर लें। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 9 बिंदु जो मुझे सूचना देनी है और सूचना जानी है 26 तारीख हो गया, 31 मई तक तो ऊपर तक सूचना चली जाएगी। ये कोरोना कॉल में हम लोग की पहली मीटिंग हो रही है, पिछली मीटिंग मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है, वो 17 मार्च को मीटिंग हुई थी। मैडम कहाँ गए हैं, नमता जी शायद वहीं साथ प्रस्ताव दिया जो चाइनीज मेली है उसके बिक्री भारी को रोक लगाया जाए, क्योंकि वहीं से चाइना मिलन सीट हो गए थे और उसमें और अमेरिका से जो प्रारूप इनका भी प्रारूप में भी उसका उल्लेख किया गया है। ये व्यापारी प्रकोष्ठ की मीटिंग प्रत्येक माह होती है और ये प्रत्येक माह होता भी रहा है। पिछले महीने सिर्फ इसमें विराम इसलिए दिया गया था जो कोविड का संक्रमण चल रहा था, लेकिन इस मीटिंग की आवश्यकता समझी गई और इधर व्यापारी बंधु ये युवा के इनसे जानकारी कर लिया है कि इनकी ऐसी कौन सी शिकायतें हैं या जो भी या ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ के माध्यम से इसका निस्तारण हो सकता है। कुछ नई बातें भी इधर आई थी और ये कुछ शासन से पत्र भी आए हुए हैं, उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ये जो कोविड के गाइडलाइंस हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसके तहत सावधानी पूर्वक आज ये मीटिंग यहाँ पर आहूत की गई है। व्यापारी भाइयों से आज उनके खासतौर से सुरक्षा के दृष्टिकोण से और ही बातें जो उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी से संबंधित हैं, जिसमें खासतौर से आज के समय में ये जो कोविड की संक्रमण बहुत बुरी तरह से व्याप्त है उसके बारे में भी सभी सजग हैं, लेकिन तो भी कुछ आपस में चर्चा करेंगे, सजगता का स्तर हम लोग और बढ़ाएंगे और लोग अपना सावधान होंगे और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को
देश प्रदेश को सुरक्षित करने का पूरा हम लोग उस पर बातचीत से ही बातें और उसमें सुधार भी आता है, गुणवत्ता भी आती है और ये बस ये संक्रमण जो कोविड संक्रमण चल रहा है अब 2 महीने हो गए हैं तो जो भी समस्याएं आएंगी उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज बैठे हुए हैं। धन्यवाद।